हाय गाइस, एक टाइम में आपने भी iPad 2, iPad 3 और iPad 4 यूज़ किया होगा। अभी ISO इतना अपडेट हो चुका है कि हम लोग ये डिवाइसेज अब यूज़ नहीं कर पाते। यानी जैसे हमारे पास iPhone 6 है, इस पर भी Apple ने अपनी अपडेट ख़त्म कर दी है। तो अब अगर अभी भी आप ये iPhone यूज़ कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अब इस पर बहुत सी एप्लीकेशन रन नहीं होती, यानी जैसे YouTube है, WhatsApp है, ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन नहीं चलती, तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पुरानी डिवाइसेस पर यानी iPad 2, iPad 3, iPad 4, इस तरीके से iPhone 5S, 6, 6S, इन पर 6S पर तो अपडेट है, 6 पर नहीं है, तो इन पर आप YouTube और बहुत सी अदर एप्लीकेशन कैसे चला सकते हैं। मेरी इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल है आपके लिए। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। देखें होगा क्या, आपने अपने आईफोन में जाना, आईफोन 6 है हमारे पास, हम इसमें आईडी देखते हैं, ये लगी हुई आईक्लाउड की। अब हम इसके ऐप स्टोर में जाकर हम वहाँ पर यूट्यूब टाइप करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये इस पर यूट्यूब चला रहा है कि नहीं चला रहा है। यूट्यूब टाइप किया हमने यहाँ पर, आप यहाँ पर यूट्यूब टाइप करके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं हम। यूट्यूब का एप्लीकेशन ये हमारे पास आ गया, देखें गेट यूट्यूब, हम इसको यहाँ से गेट करेंगे। यूट्यूब का ऑप्शन हमने क्लिक किया, इसको यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। डन कर दिया इसने, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोशिश तो कर रहे हैं इंस्टॉल करने की, लेकिन देखें ये आ गया, दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड iOS 14। ये इशू आता है हमारे छोटी डिवाइसेस में यानी iPhone 6 में। हम इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे यहाँ पर दोबारा से कि ये दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आया, क्लिक किया, डन कर दिया, अब वेट करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इंस्टॉल करेगा क्योंकि iOS इसका अपडेट नहीं है, इस वजह से इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। हम इसके जनरल में जाकर, अबाउट में जाकर इसका सॉफ्टवेयर देखें, 12.5.6 है, ये iPhone 6 है और इसका सॉफ्टवेयर 12 पे है, तो इस वजह से ये इंस्टॉल नहीं कर रहा। देखें दोबारा ट्राई किया हमने, गेट किया, वो सेम एरर आएगा, यानी सेम इशू आएगा हमारा कि उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस डन कर दिया। देखें अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ये स्टिल एरर सेम रहेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन कंपेटिबल नहीं है इस डिवाइस के साथ। अब हमें एक पुरानी आईडी चाहिए आपको, अगर आपके पास कोई पुरानी एप्पल की आईडी है, मेरी ये पुरानी आईडी है 2012 की बनी हुई है, तो मैं इस आईफोन में देखें इसका iOS भी 12.5.6 सेम है उसी आईफोन की तरह, आईफोन 6 उसमें भी 12 था, इसमें भी 12 है, लेकिन इसमें आईडी जो है काफ़ी पुरानी आईडी लगी हुई है, यानी 2012-2013 की आईडी लगी हुई है। आपको 2-3 साल पुरानी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी इस सॉल्यूशन के लिए। अगर आपके पास भी कोई ना कोई पुरानी आईडी है तो आप ये इस पर यूट्यूब चला सकते हैं। आपने करना क्या है, अपनी आईडी खोली, परचेजेज़ में जाना है आपने, अपने परचेजेज़ में यहाँ पर सब वो एप्लीकेशन ये दिखाएगा जो आप स्टार्ट से जब आपने आईफोन लिया था, आपने आईडी बनाई थी, आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सब वो एप्लीकेशन दिखाएगा कि जो आप यूज़ करते रहे हैं। देखें ये मेरी सारी, ये बता रहा है कि आप डाउनलोड कर चुके हैं ऑल एप्लीकेशन, जब से आईफोन मैंने लिया, जब से मैंने आईडी बनाई, जब से मैं आईफोन को यूज़ कर रहा हूँ, उस टाइम से लेकर अब तक की सब एप्लीकेशन ये यहाँ पर शो करेगा। देखें आप कंप्लीट देखें, व्हाट्सएप बिजनेस है, व्हाट्सएप है, बहुत सी गेम्स हैं, अदर मूवीज़ एप्लीकेशन हैं, इस तरह की बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि आपको पुरानी आईडी पर अवेल होंगी। ये सब एप्लीकेशन आपकी इस पुरानी आईडी पर अभी तक अवेल हैं यानी पड़ी हुई हैं, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं ओल्ड iOS पर। हम अपने iPhone 6 पर ये ट्राई करके देखेंगे। देखें मेरे पास ये बहुत सी चीज़ें पुरानी अभी तक पड़ी हुई हैं एज इट इज़, जो मैंने स्टार्ट में जब iPhone लिया था, मैं उसका यूज़र हूँ iPhone का, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले आईडी बनाई हुई थी। अगर आप अभी आईडी बनाएंगे, अभी iPhone लेंगे, कोई भी पुराना फ़ोन लेंगे और उसमें आप चाहेंगे कि यूट्यूबर बाकी सब एप्लीकेशन चल जाएं, या iPad लेंगे उसमें आप चाहें कि आपकी आईडी के ऊपर यूट्यूब चले और अदर एप्लीकेशन चलें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, कोई ना कोई पुरानी आईडी ढूंढनी है, कोई ना कोई पुरानी आईडी, कम से कम 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी आईडी होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिवाइस बिल्कुल नाकारा है, वो आपके यूज़ में नहीं आने वाली। देखें ये सारी वो एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब मैं आपको अपने आईडी से, ये मेरी आईडी है, ये पुरानी आईडी है, इसे यूट्यूब इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आपने यूट्यूब टाइप करना है, देखना यहाँ पर ये वो ऑप्शन नहीं बताएगा जो हमारे नई आईडी पर बता रहा था। नई आईडी में गेट का ऑप्शन दे रहा था और पुरानी आईडी में ऑलरेडी डाउनलोडिंग, देखें ये डाउनलोड हो चुकी है, तो डाउनलोडेड का ऑप्शन बता रहा है कि ये डाउनलोड हो चुकी है, गेट का ऑप्शन नहीं आ रहा।
तो यहाँ से इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और इसको डाउनलोड कर लेगा अपने पास। ये सेम आईफोन 6 है, देखें इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आया है, यहाँ पर वो इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया है डायरेक्ट। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आईफोन 6 है, ये स्पीड कम है इसकी, इस वजह से थोड़ा टाइम लेगा, इंस्टॉल होने में भी टाइम लेगा। लेकिन ये ऐसा जुगाड़ है कि जिसकी वजह से आप अपने पुराने डिवाइस को यूज़ में ला सकते हैं। आईपैड 2 में भी ये कंपेटेबल है, 3 में, 4 में, 6 में, 5S में। देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया हमारी यूट्यूब, आप देखेंगे ये हमारे होम स्क्रीन पे आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन जो जो आपने पुराने आईडी से डाउनलोड की थी, यूज़ की थी, वो आप सब यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने iOS पे, अपने आईफोन 6 पे, अपने आईपैड पे, किसी पे भी। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन अपनी पुरानी आईडी से। इसके लिए शर्त यही है कि आपके पास आईडी ओल्ड आईडी होनी चाहिए, कम से कम 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, ताकि वो यूज़ हो सके। न्यू आईडी बनाएंगे या 1 साल पुरानी होगी तो उस पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि iOS 12 से आगे अपडेट नहीं है आईफोन 6 की। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।